माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीन्स वैक्सिंग कैसे किया जा सकता है। बीन्स वैक्सिंग को हार्ड वैक्स भी कहा जाता है और इसे हार्ड वैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनग्रोथ वाले हेयर होते हैं उसको भी खींच के निकाल के लेके आता है। बिल्कुल ही पेनलेस है, इजी है और इसमें स्ट्रिप्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, यानी कि आपको ऊपर से पट्टी लगा के निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये वैक्सिंग जो है वो फेस के लिए परफेक्ट है। जो हार्ड हेयर होते हैं उसको भी बहुत इजीली निकाल देता है। हार्ड वैक्स कोई भी यूज कर सकता है, मेन विमेन, कोई भी मेन को भी फेस के ऊपर जो बियर्ड के हेयर होते हैं कभी कभी उनको चीक्स के ऊपर आते हैं और अगर उनको वो निकालने हैं तो भी ये बेस्ट है। और जो बीन्स वैक्स है वो सिर्फ वैक्सिंग के लिए ही नहीं, मैं तो कभी कभी इसे अपने ब्लैक हेड्स निकालने के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो मैं नोज पे यूज़ करती हूँ, फोर हेड पिन करती हूँ और आपका जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, सब निकल जाता है इसे। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप बाकी सारी वैक्सिंग करवाते भी हो पार्लर में, लेकिन एक बार आप बीन्स वैक्सिंग भी ज़रूर करवाइए या तो फिर आप खुद ही इसे घर पे लेके आइए। बहुत इजी है और खुद अपनी वैक्सिंग खुद कीजिए, एटलीस्ट फेस के लिए रखे, बार बार आपकी जो ब्लैक हेड्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है सब निकल जाएगी और बिल्कुल ही पेनलेस है। चटका वटका कुछ नहीं लगता है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रहता है। अब मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगी, मैं आपको एक्चुअली करके बताऊंगी ये वैक्सिंग कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है पैलेट हॉट वैक्स, यानी कि जो बीन्स वैक्स की मैं बात कर रही हूँ, या फेस वैक्स आप कह दो, या हॉट वैक्स आप कह दो, या हार्ड वैक्स आप कह दो, जो नाम देना है दे दीजिए। तो ये है वो वैक्स और मैंने ये जो अमेज़ॉन से लिया है तो इस ब्रांड का नाम है पैलेट हॉट वैक्स। और ये मैंने जब 17 जुलाई को मैंने वीडियो पब्लिश किया था तब मैंने इसके बारे में बताया था अपने अमेज़ॉन हॉल में। बट खैर मैं आज फिर से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी कि मैंने अमेज़ॉन में कहाँ से ख़रीदा है, ये उसकी लिंक डाल दूंगी। और उसी के साथ मैंने ये वैक्स का हीटर भी ख़रीदा था। वैसे अगर आपके पास हीटर नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, और अगर आपके पास माइक्रोवेव भी नहीं है तो आप इसे गैस पे, डबल बॉयलर पे बॉयल करके गर्म कर सकते हो। बट आई वुड रियली एडवाइस कि अगर आप इसे रूटीन करना चाहते हो तो एक हीटर ज़रूर ले लीजिए। हीटर बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं आता, बहुत ही रीज़नेबल रेट में आ जाता है और जो प्रोसीजर है वैक्स को मेल्ट करने का वो भी इतना ईजी हो जाता है। सो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग ऑन हीटर, इसलिए हीटर ले लीजिए। तो ये हीटर मेरा उसी के साथ ऑफ़र में था तो सब चीज़ एक साथ आ गई थी। तो एज आई सेड मैं उसकी लिंक भेज दूंगी साथ में। तो मैंने इसको अब गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे गर्म होने में टाइम लगता है। एज़ द नेम सजेस्ट ये हार्ड वैक्स है इसलिए तो धीरे धीरे गर्म होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर जब एक साथ पूरा मेल्ट हो जाए तभी ही इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप जो भी एरिया में आपको वैक्सिंग करनी है वहाँ पे आप बेबी पाउडर अप्लाई कर लीजिए। बेबी पाउडर सबसे स्मूथ होता है इसलिए, और बेबी पाउडर अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे जो भी पसीना या कोई भी तरह का मॉइस्चर होगा वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब आप इसे अप्लाई कर लीजिए। ये वैसे अभी थोड़ा थिक है लेकिन जब ये पूरा मेल्ट हो जाए, रनिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब आप इसे अप्लाई कीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा और बिल्कुल भी प्लास्टिक की तरह नहीं होगा। और वैसे ये जो वैक्स है ये हार्ड वैक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे वैसे ही बस थोड़ी ही देर में ये सूख जाएगा और एकदम प्लास्टिक का टुकड़ा हो जाएगा। ये ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा, और देख रहे हैं आप इस पर कितने सारे बाल कैप्चर हो गए हैं। तो मैं इसे अपना जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी होता है मैं उन सब के लिए इसे यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने फुल फेस पे कर लेती हूँ, इसके बाद मेरी स्किन जो है इतनी सुपर सॉफ्ट हो जाती है और इतनी शाइनी हो जाती है। तो हर जगह के बाल है, जैसे फोरहेड है या चीक्स है, बाल हो ना हो फिर भी मैं एक बार ये
ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो जो स्मूथनेस आती है और जो भी छोटे मोटे कुछ भी डर्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हो, सब इसमें से निकल जाते हैं और फेस में एक जैसे फेशियल करवाने जैसा एक ग्लो आ जाता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर इस लॉकडाउन के चक्कर में आपका कोई बाहर कोई ट्रीटमेंट होता नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं। बस एक बार आपकी वैक्सिंग हो जाए तो फिर आप कोई भी क्लेंजर से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे टी ट्री वाला क्लेंजर से कर रही हूँ। तो आप इसके बाद जो भी जो छोटे मोटे जो चिपक रहते हैं, वैसे इसमें कुछ नहीं चिपकता क्योंकि ये प्लास्टिक की तरह पूरा निकल जाता है, बट खैर फिर भी एक बार मैं ऑयल लगाती हूँ वैक्सीन ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद मैं वापस क्लेंजर से पूरा फेस अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि मेरा फेस में कोई भी कुछ भी वैक्सीन करने के बाद अगर डर्ट पार्टिकल्स कोई रह गया हो तो वो पूरा अच्छी तरीके से निकल जाए। इसीलिए मैं काइंड ऑफ फेशियल की तरह ही वैक्सीन के बाद थोड़ा काइंड ऑफ एक्सफोलिएट कर लेती हूँ अपने स्किन को। सो अब मैं रेडी हूँ, मेरा फेस वॉश हो गया है और ऑलरेडी आपको मेरे फेस पे शाइन तो दिख ही रही होगी। ये मैं टोनर लगा रही हूँ क्योंकि जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर जो नेचुरल है वो टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर मैंने उसे ड्राई कर लिया। और ये एंड में अपने स्किन को ट्रीट करने के लिए मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से मेरी स्किन को वो जो मॉइस्चर है वो सब मिल जाएगा और काइंड ऑफ जो अगर कोई इरिटेशन आया होगा स्किन में तो वो भी इससे कम हो जाएगा। कभी कभी आप वैक्स करते हो तो किसी एरिया को नहीं होता है सूट तो वहाँ पे रैशेस हो सकते हैं, तो एलोवेरा इज़ काइंड ऑफ प्रिकॉशन कि कुछ भी ना हो फेस में। एंड दिस इज हाउ सुपर सॉफ्ट सपल माई स्किन गेट्स आफ्टर वैक्सिंग इट। And now I'm ready. I hope आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल भी रहा होगा। जिन लोग को वैक्सिंग की कोई प्रॉब्लम्स रही होगी या सोल्यूशंस ढूंढ रहे होंगे, तो आई होप मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको काम आया है। और अगर आपको काम आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आप ये वैक्सिंग ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। और इस प्रोडक्ट्स में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं पूरे वीडियो में वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक कर दूंगी, ताकि अगर आपको खरीदना हो तो आसान पड़े। और बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसी अपडेट्स मिस ना कर दें। और इसी के साथ आज मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगली बार। Till then, bye. See you soon.